आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको शिव पुराण से संबंधित एक कथा सुनाऊंगी। कथा सुनने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को शेयर और लाइक भी करें। बंधुओं, इस कथा का वर्णन शिव महापुराण में किया गया है। वैसे तो इस कथा को कभी भी सुना जा सकता है, लेकिन श्रावण मास में इसका विशेष महत्व है। शिव पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति श्रावण मास में भगवान शिव से संबंधित कथाएं श्रवण करता है, वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त होकर अंत में शिवलोक को जाता है। संक्षेप में इतना ही कहना पर्याप्त है कि भगवान शिव से संबंधित कथाओं का श्रवण अर्थात सुनने से कलयुग के प्राणियों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उनको सदगति प्राप्त होती है। शिव पुराण के अनुसार किसी समय किरात नगर में एक दुर्बल, दुराचारी और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवराज था। दुराचारी होने के कारण वह ब्राह्मण अपने कर्मों से विमुख हो चुका था और उसने अधर्म के रास्ते पर चलकर बहुत सा धन कुछ ही समय में इकट्ठा कर लिया था। एक बार जब वह तालाब पर स्नान करने गया तो वहां शोभावती वैश्या को देखकर उस पर मुग्ध हो गया। वह वैश्या भी इस धनी ब्राह्मण को अपने जाल में फंसा देखकर प्रसन्न हुई। वह ब्राह्मण अक्सर उस वैश्या के घर आया जाया करता था। उसके माता पिता, मित्र, उसकी पत्नी उसको अक्सर ऐसा करने से रोकते और उसे समझाते कि वैश्या के घर जाना उसके लिए उचित नहीं है, लेकिन उनके समझाने का उस ब्राह्मण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसने और अधिक उस वैश्या के घर जाना शुरू कर दिया। जब घर वालों ने उस पर जबरदस्ती रोक लगानी चाही तो उस अधर्मी ने एक रात अपने माता पिता और स्त्री को मार डाला और अपना सारा धन ले जाकर उस वैश्या को दे दिया। कुछ समय तो उस वैश्या ने उसे अपने पास रखा, पर जब वैश्या ने देखा कि अब इसका समस्त धन खत्म हो चुका है तो उसने उसे पापी, हत्यारा कहकर अपने घर से धक्के मारकर निकाल दिया। भटकता भटकता देवयोग से एक दिन देवराज प्रतिष्ठानपुर पहुंच गया। वहां उसने एक विशाल शिवालय देखा जहां शिव कथा होती थी। संयोग से देवराज वहीं शिवालय में बीमार पड़ गया। बीमारी से बेहाल, चलने फिरने से लाचार, अपने किए हुए कर्मों पर पश्चाताप करता हुआ वह वहीं पड़ा पड़ा शिव कथा का श्रवण करता रहा अर्थात सुनता रहा। एक मास बाद देवराज की मृत्यु हो गई। उसके पूर्व पापों के कारण यमदूत उसे लेने आए, मगर अंत समय में शिव कथा का श्रवण करने के प्रभाव से शिव गणों ने आकर उसे यमदूतों से छुड़ा लिया और उसे शिवलोक ले जाने लगे। इसके कारण यमलोक में बहुत कोलाहल हुआ कि इस पापी को शिवलोक जाने का अधिकार कैसे है, जबकि इसने इतने बुरे बुरे कर्म किए हैं। धर्मराज इस कोलाहल को सुनकर बाहर आए और वहां उन्होंने देखा कि शिवगण देवराज को लेकर जा रहे हैं। धर्मराज तुरंत समझ गए कि ये शिव कथा का प्रभाव है। उन्होंने शिव गणों की पूजा की और उन्हें शिवलोक जाने का मार्ग दिया। देवराज जैसा पापी भगवान शिव की कथाएं श्रवण करने मात्र से ही यमदूतों के फंदे से बचकर उस परम पुनीत शिव धाम को प्राप्त हुआ जहां भगवान शिव माता पार्वती सहित निवास करते हैं। तो बंधुओं, देवराज जीते जीतो बीमारी लाचारी का जीवन जीकर अपने कर्म भुगत गया, परंतु मरने के बाद वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। इसलिए जो भी मनुष्य भक्ति युक्त होकर मन, कर्म, वचन से भोलेनाथ की कथाओं का श्रवण करते हैं वे इस लोक के सुख को भोगकर अंत में शिवलोक को जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।